होती है। यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिता माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, पर उन्होंने ये भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतएव मेरी प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर भी भक्तिमय सेवा के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जिनका सही सही उदाहरण वेदों के मूल पाठ से भी मुश्किल से मिल पाता है। वेदों तथा उपनिषदों में इंसानी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है, उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतएव श्री भगवान श्रीमद् भगवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्विमुक्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस भागवतम चर्चा में, भागवतम क्लास में, जो कि हर रविवार को सुबह होती है। तो आज का जो श्लोक है पहले स्कंध के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक। इस श्लोक में इस सारे अध्याय में जितने संवाद हुआ है आपस में नारद जी और व्यास देव जी का, जो संवाद हुआ है उसका निचोड़ जो है इस श्लोक में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से सर्वप्रथम जैसे प्रभुपाद जी से व्याख्या कर रहे हैं, व्यासदेव की जिज्ञासाओं की पुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्ति में कार्य की पद्धति की सहमत विवेचना की गई है। तो नारद जी ने क्या किया है इस श्लोक में, जितने भी संवाद हुआ नारद जी और व्यासदेव जी के भीतर जो भी संवाद हुआ उसका निचोड़ जो है बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उनकी जिज्ञासाओं की पुष्टि करने के लिए। क्या जिज्ञासाएं हुई थी? सर्वप्रथम ये जिज्ञासा की गई थी कि नारद जी जो कि एक मनुष्य के शरीर में, साधारण मानव के शरीर में आए, उन्हें नारद जी जैसा दिव्य शरीर कैसे मिला, किस प्रकार मिला, ये भक्ति में इस प्रकार से प्रगति उन्होंने कैसे की, और जब वो जो साधु संत आए थे उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद नारद जी ने क्या किया। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है नारद जी ने विस्तार से दिया कि नारद जी जो है सर्वप्रथम उन ऋषि मुनियों के पास गए, उनकी सेवा की, उनसे कृष्ण भावना का ज्ञान सीखा और धीरे धीरे जो है उनके जो भक्ति बीज रोपण जो हम हृदय में हुआ, ये सारी जो है वार्तालाप जो है बता रहे हैं। आगे बढ़ना नया है कि नारद ने बताया कि इस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया गया है? संगति यानी कि एसोसिएशन, भक्तों का संग करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें नारद जी यही बता रहे हैं कि भक्ति रूपी बीज का आरोपण जो हमारे मन में होता है वो सर्वप्रथम कैसे होता है? सभी वैष्णवों का, भक्तों का संग करने से। देखिए अगर हमारे मन में इच्छा आ रही है, आती है कभी कि हम मंदिर ना जाएं, वही लोग होंगे, वही चेहरे, वही हरे कृष्णा, वही कीर्तन, वही सब कुछ, इसका मतलब क्या है? निकलता है कि माया का प्रभाव जो है, माया का अटैक जो है
वो हम पर हो चुका है, क्योंकि जब हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि भक्तों के बीच जाकर क्या करना, हम घर पे बैठते हैं अपना मनोरंजन करते हैं, इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि माया जो है वो अपना अटैक हम पर कर चुकी है, तो हम उससे बच नहीं सकते। तो धीरे धीरे जो क्या होता है, हम भक्तों की संगति में जाते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति सोचे कि आज मैं भागवतम का पाठ नहीं सुनूंगा या कोई श्लोक नहीं पढ़ूंगा भागवतम का, तो कुछ इससे क्या होगा, अगर मैं नहीं सुनूंगा, एक दिन क्लास नहीं सुनी तो क्या हो गया, ऐसा नहीं होता। वही जैसे हम एक दिन अगर कुछ भोजन ना करें तो हमें जो है अधूरा अधूरा सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हमने कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं किया, भोजन नहीं किया, जिससे शरीर की पुष्टि नहीं होगी। तो अगर हमें अपनी भक्ति की पुष्टि करनी है तो हमें क्या करना होगा, इस भागवतम का श्रवण या फिर इसका पाठ जो है वो हमें नित्य प्रति करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो बीज रोपण है भक्तों के संग से क्या होता है, भक्ति रूपी बीज हमारे मन में आता है, और श्रवण करने से, भक्तों के मुख से कुछ सुनने से, नारद जी जैसे बता रहे हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, उनको सुनने मात्र से, उनको पढ़ने से क्या होता है, उस भक्ति लता बीज का बीज को पोषण मिलता है। तो आगे वर्णन आया है, श्रवण करने पर धीरे धीरे ये भक्ति लता बीज बढ़ता है, ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है। अब श्रवण करने से क्या होता है, धीरे धीरे हमारे मन में विरक्ति उत्पन्न होती है सांसारिकता के प्रति। जैसे नारद जी ने अपने ही जीवन के उदाहरण से बताया कि जब उन्होंने ये सुना कि उनकी माता की मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें दुख नहीं हुआ ज्यादा, और वो जो है उसी क्षण मुक्ति करने के लिए निकल गए। यहां तक वर्णन आया है कि उन्होंने अपनी माता का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। वो किन्होंने किया, जो वहां पर एक पाठशाला के ब्राह्मण थे उन्होंने उनकी माता का संस्कार किया, वो खुद जो है वो सब कुछ छोड़ के तुरंत भक्ति करने निकल पड़े। तो ऐसी विरक्ति तभी आ सकती है, देखिए साधारणतः ऐसी विरक्ति आती नहीं है, लेकिन भक्ति करने से पॉसिबल है, भक्ति करने से हमारे मन में ऐसी विरक्ति उत्पन्न हो सकती है, और तुरंत ही वह भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान ने इसे साक्षात्कार करने की उनकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई, तब उन्होंने देखिए भगवान का साक्षात्कार किया भी एक बार, और उसके बाद जो है भगवान के हृदय से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। तो संभव नहीं है कि नेत्र दर्शन किए, कि केवल और केवल क्यों हुआ, भक्तों का संग करने से और भक्तों के मुख से भगवान के विषय में सुनने से, ये दोनों चीजें करने से हम इन आंखों से भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, ये नारद जी यहां पर बता रहे हैं इसका उदाहरण देकर। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करने से मनुष्य के कई प्रकार के संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है। तो जो हमारे कर्म फल जो संचित होते हैं, इस प्रकार से हम कार्यकलाप करते हैं संसार में, और वो जो कार्यकलाप है वो कोई ना कोई कर्म का बंधन जो है वो बनाते रहते हैं, तो उस कर्म बंधन को भी जो हरि नाम है, भगवान का शुद्ध नाम है, वो समाप्त करता है, और हमारा कोई लेखा जोखा, कोई प्रारब्ध, कोई कर्म जो है बाकी नहीं रहता, जिससे कि हम भगवान के नाम में जा सके। तो ये नारद जी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद वर्णन आया है, केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश होता है। तो देखिए भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए एक दिव्य शरीर है, जिस प्रकार से हर एक धाम का अलग शरीर है, नर्क में जो है हमें एक यातना शरीर मिलता है, उस यातना शरीर में क्या होता है, हम केवल दर्द को महसूस कर सकते हैं, हमें हमारी मृत्यु नहीं होती, हर प्रकार का कष्ट दिया जाता है, गर्म तेल में उबाला जाता है, बॉइल किया जाता है गर्म तेल में, उसके बाद जो फ्राई किया जाता है, उसके बाद जो है तीखे फलों से प्रहार होता है, प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु छोड़ दिए जाते हैं, वो नोच नोच के शरीर को खाते हैं, लेकिन फिर भी वो शरीर नष्ट नहीं होता, इसको कहते हैं यातना शरीर, केवल यातना के लिए हमें होता है। इसी प्रकार जो है दिव्य शरीर क्या होता है, आध्यात्मिक शरीर, जिससे क्या होता है, जब हम भगवान के नाम जाते हैं तो उस शरीर के माध्यम से ही दिव्य शरीर, आध्यात्मिक जो शरीर है वही जो है भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है, वही किनको मिलता है, यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं केवल शुद्ध भक्तों को, शुद्ध भक्त जो होते हैं उन्हें ये आध्यात्मिक शरीर मिलता है, जिस प्रकार से नारद जी को मिला। नारद जी को ये शरीर कैसे मिला, जैसे बिजली गिरती है एक स्थान पर गिरती है दूसरे स्थान पर गिरती है, तुरंत ही कुछ ही क्षणों में ये दोनों जगह पर बिजली गिर जाती है, जब तूफान आता है
उसी प्रकार से एक तरफ उन्होंने भौतिक शरीर छोड़ा, दूसरी तरफ उन्हें आध्यात्मिक शरीर तुरंत मिल गया बिजली की रफ्तार से, बहुत तेज। तो इस प्रकार से हुआ। और आगे वर्णन आता है कि दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुवाद नारद जी स्वयं करते हैं। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्ति में सेवा के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों से सुनकर ही हम भक्ति करने से जो फल प्राप्त होते हैं उनका अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं। अपने उनके दिव्य मुख से हम जो सुनते हैं, नारद जी अपने जीवन के बारे में बताते हैं और प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे महान आचार्यों से, ऐसे शुद्ध भक्तों से सुनकर ही क्या होता है, हमारे हृदय में भी भक्ति की प्रेरणा मिलती है और हम भी भक्ति करते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और अन्यथा जो है सांसारिक व्यक्तियों से, भौतिक जो व्यक्ति होते हैं उनसे अगर सुनेंगे या फिर खुद वेद उठाकर हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वेदों में वो चीज नहीं है जो नारद जी स्वयं बता रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में, क्योंकि वो अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे प्राधिकारी व्यक्तियों से सुनकर ही भक्ति में जीवन के फलों का अनुमान लगाया जा सकता है। सही सही धारण वेदों के मूल पाठ में, ऐसे व्यक्ति इस प्रकार से होते हैं जैसे कि कोयले की खान होती है, उसमें जितना हम गहराई में जाएंगे उतने हमें हीरे डायमंड जो है मिलेंगे। तो वेद जो है, वेदों को हम जितना मर्जी समझ ले उसमें साफ साफ कुछ नहीं बताया जाता, सब बातें घुमा फिरा कर बताई जाती है, लेकिन नारद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ मुझे मिला और आपको भी मिल सकता है। तो ये सही सही धारण है वेदों में, वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत हैं, केवल संकेत हैं, वो भी अप्रत्यक्ष, यानी कि स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया गया वेदों में, केवल संकेत मात्र दिए गए। हम वेदों से इसका मतलब कुछ जान नहीं पाएंगे। और ये श्रीमद् भागवतम क्या है, उन्हीं वेदों का एक वेद रूपी वृक्ष है, उस पर जो है पका हुआ फल जो लगा हुआ है वो है श्रीमद् भागवतम। और नारद जी जैसे भक्त, शुद्ध भक्त क्या कर रहे हैं, उस फल का, लेकिन उस फल को भी नहीं दे रहे, उस फल का जूस निकाल के हमें दे रहे। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो वेदों में घुसे थे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, अपने अपना दिमाग लगाएंगे, लेकिन अगर वही हम किसी भक्त के माध्यम से चले तो वो भक्त जो है हमें उसी वृक्ष, वेदों के वृक्ष के फल का जूस निकाल कर देगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, ऐसे शुद्ध भक्तों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त ही हैं जो हमारे हृदय में भक्ति रूपी बीज का आरोपण करके हमें भगवान के चरणों में भेज सकते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो आज के श्लोक में इतना ही है। नारद जी बता रहे हैं किस प्रकार से उनका सारा जीवन सर्वम शब्द आया है इसमें, सर्वम मतलब सब कुछ बता रहे हैं इसके लिए, क्या क्या मैंने आपको बताया, क्या क्या संवाद हुआ, उसका निचोड़ जो है इसमें सब कुछ जो है बता दिया गया। और इस प्रकार से नारद जी जो है हम चले जाएंगे वहां से, और आगे ये जो है श्रीमद् भागवतम का संवाद जो है, ये जो आगे जो है जो क्रम जो है वो चलता रहेगा। तो इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जगत गुरु विष्णु प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। नित्याय गौर ब्रह्म।